इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना की दूसरी लहर देश में फैल चुकी है और अब खतरनाक रूप लेती जा रही है। पुलिस और प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इसकी चेन को तोड़ने के लिए लगातार सड़कों पर डटी हुई है। आम लोग भी कोरोना के लगातार बढ़ रहे खतरे को भांपकर घरों में कैद हैं और बाहर निकलने से डर रहे हैं। लेकिन मधेपुरा में नजारा कुछ और ही है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन की उदासीन रवैये के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं, बल्कि लोग भी ट्रेन आने के टाइम स्टेशन पर इधर उधर भागने लगते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं और बच्चे किस तरह नियमों का उल्लंघन कर अपनी जान पर खेलते हुए लाइनों को पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इन लोगों को जान का कोई खौफ नहीं है। ये कोरोना काल में लोगों को सुरक्षित सफर करना चाहिए, उसके लिए सरकार ने स्पेशल ट्रेन चला रखी है, लेकिन फिर भी आदमी मान नहीं रहे हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना इस पर कोई प्रशासन कोई ध्यान दे रहे हैं, ना ही रेलवे डिपार्टमेंट ध्यान दे रहे हैं। बता दें कि उत्तर पूर्व रेलवे के सहरसा पूर्णिया के बीच बड़ी लाइन बनाई गई है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। फिर भी ट्रेन आने के वक्त यात्री, खासकर महिला और बच्चे, ट्रेन पर चढ़ने के लिए रेलवे लाइन को इधर से उधर भागकर पार करने लगते हैं, जिसके कारण दुर्घटना घटने की एक बड़ी संभावना बनी रहती है। इतना ही नहीं, जिस तरह से मधेपुरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगी की संख्या में वृद्धि हो रही है और लोगों में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है, ऐसे में मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर जमा यात्रियों की भीड़ दर्शाती है कि रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रेलवे प्रशासन के इस रवैये से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस ओर रेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि रेलवे लाइन पार करते वक्त बड़ी घटना न घटे। यात्रियों को कोरोना का कोई भय नहीं है, वह केवल जो है छुट्टी भी और सरकारी जो आंकड़े हैं वही परोसे जाते हैं उसके आगे। इस भय से बिल्कुल निर्भीक होकर लोग बिल्कुल जानवर की तरह ट्रेन में चलता है, जबकि स्पेशल ट्रेन दिया गया है, भाड़ा भी 3 गुना बढ़ा दिया गया है ताकि इस ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे, लेकिन उसके ऊपर न तो रेलवे विभाग का कोई ध्यान है और न प्रशासन का ही ध्यान है। केवल प्रशासन का काम है, रेल का काम है कि इन प्रकार लोगों से राशि की वसूली की जाए कोरोना के नाम पर। जिस वक्त रेलगाड़ी स्टेशन पर आती है तो रेलवे के एक भी कर्मचारी किसी भी यात्री का थर्मल स्कैनिंग नहीं कर रहा है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि भले ही सब सोशल डिस्टेंसिंग नियम पालन करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में खुद ही अधिकारी और जनप्रतिनिधि समेत समाज के सुलझे हुए व्यक्ति ही इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।